हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज के सेकंड पार्ट में नीट सीरीज में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ डीएनए जिसको हम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ये जेनेटिक मटीरियल है इन मेजोरिटी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स, सो एक्सेप्ट द केसेस ऑफ वायरसेस जिनमें हमें आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटीरियल देखने को मिलता है, बट अदरवाइज इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। और ये जेनेटिक मटीरियल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। आज के इस टाइम में इतने ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है जेनेटिक मटीरियल की, क्योंकि जेनेटिक मटीरियल स्टेबल होना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, स्पीशीज में बहुत तरह की जो है डिजीजेस हो जाती हैं। तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल है दैट शुड बी वेरी मच स्टेबल। सो डीएनए सबसे बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है और बहुत स्टेबल है, इसलिए ये स्टेबल होने की वजह से ये एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। नाउ फ्रेडरिच मिशर, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को निकाला फ्रॉम द पस सेल्स, जो पस सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में से इनको सबसे पहले निकाला गया, एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में था तो इसे नाम दिया गया न्यूक्लिन। एंड लेटर ऑन हार्डविक ने कहा कि न्यूक्लिन जो है वो हेरिडिटी ट्रेट को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है क्योंकि ये हेरिडिटी ट्रेट को ट्रांसमिट कर रहा है। देन ऑल्टमैन ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लिन है उसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक स्पीशीज में कांस्टेंट होता है और ये सेल डिवीजन से पहले डबल हो जाता है। वी नो जैसे एस फेज होती है उसमें डीएनए सारा डुप्लीकेट हो जाता है, सारा डीएनए रेप्लीकेट हो जाता है, तो उसमें हमें डीएनए कंटेंट सेल में डबल होता है। लेकिन जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तो डीएनए कंटेंट हाफ रह जाता है, क्योंकि हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं और गेमीट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड सेल से भी हैप्लॉइड गेमीट बनते हैं, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर कम होने की वजह से डीएनए भी हाफ रह जाता है। सो एक्सेप्शंस मतलब इन दो चीजों में, जब डबलिंग हुई है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एंड जब गेमीट फॉर्मेशन हुई है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके अलावा डीएनए कंटेंट एक स्पीशीज में हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अब डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स उनका पॉलीमर है, मतलब उनकी जो है बहुत सारे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे मिलके दे आर फॉर्मिंग डीएनए। नाउ व्हाट इज अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या आरएनए? इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें डी ऑक्सी राइबो शुगर दिखाई दे रही है एंड दिस इज वन नाइट्रोजन बेस्ड साइटोसिन। ये दोनों जो हैं वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, लाइक दिस इज वन नाइट्रोजन बेस से इट इज थायमिन है और यहाँ शुगर है और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी लग गया, देन दिस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड क्या है? जहां पर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों सा जो मिलके यूनिट बना है, जो कि डीएनए का सबसे छोटा यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। एंड डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। देन न्यूक्लियोसाइड क्या है? अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जब अटैच हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। नाउ रिगार्डिंग द डिफरेंट बॉन्ड्स, अब जो न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए बनता है, तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? सो फर्स्ट बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द शुगर, दिस इज द शुगर एंड दिस इज द नाइट्रोजन बेस, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कौन से नंबर की शुगर कार्बन एटम में और नाइट्रोजन बेस में बॉन्ड बनता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इस चैप्टर के जनरल वीडियो स्टडी किए थे 10+2 क्लास के। सो वी कैन ऑल्सो विजिट दोज वीडियोज, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, यू कैन विजिट द वीडियो, आप उसे स्टडी कर सकते हैं वहां से। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पर फॉस्फेट है, ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है।
तो दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड बन रहा है जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बन रहा है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स जो कि डीएनए में हम लोग को स्टडी करते हैं। नाउ रिगार्डिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब वैटसन और क्रिक ने अलग अलग जो स्टडीज हुई थी, जैसे चारगाफ ने रूल्स दिए थे, एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज हुई थी, उनके बेस पर डीएनए का एक मॉडल दिया था जिसे वैटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोला जाता है डीएनए का। नाउ चारगाफ रूल क्या थे कि प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स हमेशा इक्वल अमाउंट में होते हैं। वी नो प्यूरीन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे एडिनिन और ग्वानिन है दे आर प्यूरीन्स, ऐसे थायमिन और साइटोसिन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, ये पिरिमिडीन्स हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं, जितने प्यूरीन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन्स होते हैं, क्योंकि एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनता है एट द टाइम ऑफ द हेलिक्स फॉर्मेशन। और एडिनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। और बेस रेशो जो है एडिनिन और थायमिन की, वो एक स्पीशीज के लिए कॉन्स्टेंट है, लेकिन स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर कर सकती है। किसी स्पीशीज में एडिनिन और थायमिन का अमाउंट कम हो सकता है, किसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो वेरी करेगा, लेकिन एक स्पीशीज में वो कॉन्टिन्यूस वो सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंट रूल्स गिवन बाय चारगाफ। इनके ऊपर भी हमें नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हमें मान लीजिए परसेंटेज दे दी कि एडिनिन की परसेंटेज इतनी है, देन फाइंड आउट कि ग्वानिन की कितनी होगी, देन वी कैन मेक आउट कि एडिनिन जितना है थायमिन भी उतना ही होगा, ठीक है, ऐसे ही ग्वानिन जितना है साइटोसिन भी उतना ही होगा। सो वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड है मतलब वो कितना ज्यादा होगा डीएनए में, कितनी परसेंटेज होगी उसकी। देन एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज की गई मॉरिस विल्किंस एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन ने इन 1953, उसमें जो रिजल्ट्स निकले उनके बेस पर वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। नाउ व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ दैट मॉडल। अब डीएनए जो है उसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दो स्ट्रैंड्स हैं और वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड है, स्पाइरली क्वाइल्ड है, और इसका डायमीटर कितना है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द डायमीटर, ये 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है डीएनए का। इसमें हमें दो तरह के ग्रुप्स मिलते हैं, माइनर एंड मेजर ग्रुप। वी कैन सी हियर दिस इज द मेजर ग्रुप एंड दिस वन इज द माइनर ग्रुप, मतलब यहाँ ये जो है हमें बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मेजर ग्रुप है, देन दिस वन इज द माइनर ग्रुप, और ये इनका अप्रोक्सीमेटली लेंथ है 22 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 12 एंगस्ट्रॉम। देन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये टोटल जो एक मतलब पूरा जब ये स्पाइक पूरी कर्व पूरी होती है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये पूरा का पूरा सर्कुलेट होके जब उसी पोजीशन पे पहुंचता है, तो यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है, पूरी स्पाइरल पूरा का पूरा रिंग उसने कवर किया, तो ये क्या है, एक टर्न जो है इसमें 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस ये कवर करता है, ये 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस कवर कर रहा है। वी कैन सी यहां से लेके यहां तक पूरी एक टर्न में। अब यहां पर 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो दो बेस पेयर में डिफरेंस कितना हो गया, 34 डिवाइडेड बाय 10, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हमें क्लियर होना चाहिए डायमीटर कितना है, बेस पेयर्स में कितना डिफरेंस है, और एक टर्न जो है पूरा स्पाइरल की उसमें कितना डिस्टेंस कवर होता है और कितने बेस पेयर्स होते हैं। नाउ नाइट्रोजन बेसिस राइट एंगल पे लाई करते हैं, ये इसकी बैकबोन है, यहाँ पर शुगर फॉस्फेट होते हैं और ये इनके नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कि बैकबोन के राइट एंगल पे लाई करते हैं। वी कैन सी अगर हम इसे बैकबोन ये बना रहे हैं तो ये नाइट्रोजन बेसिस जो है वो राइट एंगल पे इस पे लाई कर रहे हैं। देन प्यूरीन की पेयरिंग स्ट्रैंड में पिरिमिडीन के साथ होती है, दूसरी स्ट्रैंड पे पिरिमिडीन है, जैसे हम यहाँ देखें दिस इज एडिनिन, एडिनिन इज प्यूरीन एंड उसकी दूसरी स्ट्रैंड पे थायमिन है जो कि पिरिमिडीन है, ऐसे ही यहाँ ग्वानिन है, दिस इज अ प्यूरीन और इधर साइटोसिन के साथ इसकी पेयरिंग हो रही है। देन दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे हमें पता है यहाँ पर एडिनिन है तो इसके सामने दूसरी स्ट्रैंड में थायमिन होगा और यहाँ ग्वानिन है तो दूसरी स्ट्रैंड में साइटोसिन होगा,
ऐसे यहाँ थाइमिन आ गया तो यहाँ पर एडिनिन होगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है एक दूसरे के, और इनकी एंटी पैरेलल नेचर है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पर फॉस्फेट का ये 5' एंड है और इधर ये 3' एंड है, ठीक है। दूसरी साइड पे इसके सामने ये 5' एंड है हमारा, और इधर यहाँ पर 3' एंड है, तो मतलब ये एंटी पैरेलल नेचर है, उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ 5 से 3' एंड में डायरेक्शन मान रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, यहाँ 5 to 3' एंड हो गया। सो दिस इज द एंटी पैरेलल नेचर। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि हमने समराइज किए हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ डीएनए। अदरवाइज आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं देन यू कैन सी द वीडियो पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर। एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, यूरेसिल, या फिर एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, थायमिन, देन एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड एडिनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। सॉरी, यहां पर एक करेक्शन है, दिस इज नॉट थायमिन, दिस इज साइटोसिन हियर, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास यूरेसिल, हमें पता है कि यूरेसिल जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ आरएनए, सो ये तो हमारा डीएनए में नहीं है। और हमें पता है कि डीएनए में 4 बेसिस हैं, सो यहाँ पर हमारा एक एक बेस मिसिंग है, सो दे ये भी हमारी करेक्ट आंसर नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ये साइटोसिन है चौथा। सो एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, दीज आर द 4 डिफरेंट बेसिस विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए। देन सेकेंड क्वेश्चन, विल्किंस ने जो एक्सरे डिफ्रेक्शन की थी उससे डायामीटर क्या पता लगा था डीएनए का, व्हाट इज द डायामीटर? 20 नैनोमीटर, 20 एंगस्ट्रॉम, 34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो डायामीटर हमने पढ़ा था हेलिक्स का, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमारा जो डायामीटर आया था दैट इज द 20 एंगस्ट्रॉम। सो ये ऑप्शन हमारी गलत है, 20 नैनोमीटर नहीं है, 34 नैनोमीटर भी नहीं है। ये तो हमने जो टर्म्स की थी 34 या 3.4, ये हमने किया है जब हमने स्पाइरल की बात की है कि एक स्पाइरल कितने में जो है वो कवर होता है, कितना डिस्टेंस है उसमें, एक कर्व में कितना डिस्टेंस कवर होता है। देन नेक्स्ट इस तरह में हमारा आ सकता है क्वेश्चन, जैसे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एडिनिन जो है वो 31% बना रहा है डीएनए का, सो ग्वानिन बना रहा है 19%, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन? अब हमें पता है कि एडिनिन पेयर्स विद थायमिन, सो एडिनिन और थायमिन बराबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर एडिनिन हमारा 31% है तो हमारा थायमिन भी 31% होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ग्वानिन है वो 19% बना रहा है एंड इट पेयर्स विद साइटोसिन, और हमने 4 का रूल पढ़े हैं कि जो ग्वानिन का अमाउंट है वो साइटोसिन के बराबर है। सो इट मींस अगर ये 19% बना रहा है तो हमारा जो साइटोसिन है वो भी 19% ही बना रहा है। सो हमारे साइटोसिन की परसेंटेज जो है दैट विल बी इक्वल टू ग्वानिन एंड दैट इज 19%। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ग्वानिन प्लस साइटोसिन हमारा हो गया 38%, और 38 में अगर हम ये जो एडिनिन और ग्वानिन हो गया 62% टोटल मिला के, तो 62 + 38 हमारा 100% हो गया। सो इट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है, बट यहाँ पर हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ग्वानिन 19% है तो इसका मतलब साइटोसिन भी 19% ही होगा क्योंकि वो उसके बराबर होता है। देन अगर डबल हेलिक्स में साइटोसिन हमें 18% मिला है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडिनिन? अब ये हम कैसे निकालेंगे? सो साइटोसिन इज 18%, इसका मतलब ग्वानिन भी कितना होना चाहिए, दैट ऑल्सो शुड बी 18%। सो 18 + 18 हमारा हो गया 36%। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिनिन? अब 100 में से अगर हम 36% माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 64%। अब 64 जो है वो हमारे क्या है, 64 हमारा क्या है, एडिनिन प्लस थायमिन दोनों मिला के है, ये हमारा एडिनिन प्लस थायमिन दोनों मिला के 64% है। तो यानी अगर हमें एडिनिन या थायमिन में से किसी एक का निकालना है तो हमें इसे हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मिलाकर हैं और ये दोनों बराबर अमाउंट में हैं। सो इसका मतलब अगर अकेला निकालेंगे तो
तो 64 का हाफ यानी कि 32% जो है वो हमारा एडिनिन होगा। सो आई होप आई एम क्लियर। साइटोसिन 18% है, साइटोसिन प्लस ग्वानिन हो गया 18 का डबल यानी 36%, और 36 को हम 100 से माइनस करें तो हमारे पास 64% आ गया, जिसमें हमारे एडिनिन और थायमिन है जो कि अगेन बराबर अमाउंट में है। सो अगर हमें इनमें से किसी एक का अमाउंट निकलना है तो हमें 64 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड दैट ओवर ऑन, तो ये हमारा 32% आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। इसी तरह से हमें ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए मॉडल किसने दिया है, तो वो हमें पता है कि वैटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया है, जबकि बाकी नॉल एंड रस्का या खुराना या प्रीस्ली इनका कोई डीएनए हेलिक्स मॉडल के साथ लेना देना नहीं है। वैटसन एंड क्रिक ने किस बेसिस पे इसको स्टडी किया? दे स्टडीड इट ऑन द बेसिस ऑफ चारगस रूल एंड ऑल्सो ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज जो कैरी आउट की गई थी। सो मतलब उनके बेस पर उन्होंने ये मॉडल दिया था। नाउ रेशियो स्पीशीज के लिए किस चीज की रेशियो कॉन्स्टेंट है? ए प्लस जी इज टू सी प्लस टी यानी ये कॉन्स्टेंट है, या थायमिन प्लस साइटोसिन और ग्वानिन और एडिनिन की रेशो कॉन्स्टेंट है, या एडिनिन और साइटोसिन और दूसरी साइड पे थायमिन और ग्वानिन की है, या फिर ए जी प्लस सी दैट इज और दूसरी साइड पे ए प्लस टी। तो ये हमने चार का फूल में पढ़ा था कि ए और एडिनिन और थायमिन की जो रेशो है वो एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट है। सो अगर एडिनिन और थायमिन की रेशो कांस्टेंट है तो जी और सी की भी कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, लेकिन वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी कर सकता है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। जितना एडिनिन और थायमिन की रेशो है वो एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट है, ऐसे ग्वानिन और साइटोसिन की भी है। नाउ डीएनए डबल हेलिक्स है और साथ साथ उसमें और कौन सा फीचर है? लाइक इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, विदाउट सुपर कॉइल्स, ऑलवेज सर्कुलर। अब डीएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, नो डाउट। हमने अभी किया था कि एक स्ट्रैंड पे अगर एडिनिन है तो दूसरे पे थायमिन है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, और दूसरा पैरेलल है। पैरेलल का मतलब साथ साथ चलता है, चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री और पैरेलल नहीं बोल सकते। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल नेचर भी है। जैसे एक स्ट्रैंड में अगर डीएनए का 5' एंड इधर है और दूसरी साइड पे उसका 3' एंड है, मतलब अगर हमारी एक स्ट्रैंड ऐसी है तो जो उसकी दूसरी स्ट्रैंड होगी वो 3 के सामने उसका 5' एंड होगा और 5 के सामने उसका यहाँ पर 3' एंड होगा। तो मतलब एक स्टैंड की डायरेक्शन जो है वो दूसरी से उल्टी है। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन हियर। अगर हम बात करें विदाउट सुपर कॉइल है तो ऐसा भी नहीं है। डीएनए में तो बहुत ज्यादा कॉइल हुआ होता है और वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज नॉट ऑलवेज सर्कुलर। हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर होता है, प्रोकैरियोटिक में वो सर्कुलर होता है। तो डीएनए डबल हेलिक्स जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एंटी पैरेलल भी है। अगर हम बी फॉर्म की बात करें डीएनए की, जिसके बारे में वैटसन एंड क्रिक ने दिया था मॉडल में, तो एक टर्न जो है उसकी दैट इज 20 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर। तो डीएनए की जो एक टर्न होती है वहां पर 20 नैनोमीटर, तो हमने उसका डायमीटर की बात की थी कि जो है उसका डायमीटर उतना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उसमें जो है 34, हमने अभी स्टडी किया था कि 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो एक स्पाइरल में 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस कवर होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। तो इसका मतलब हमारा ये एक टर्न जो है डीएनए की दैट इज 3.4 नैनोमीटर इन लेंथ, या हम इसे 34 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? हम बात करें एंटी पैरेलल नेचर की, इसका मतलब क्या है कि एक स्टैंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करती है, या फॉस्फेट ग्रुप दोनों स्टैंड के सेम पोजिशन पर है, ऐसे ही फॉस्फेट ग्रुप दोनों स्टैंड के ऑपोजिट पोजीशन पे हैं,
और एक स्ट्रैंड जो है वो हमारी क्लॉकवाइज टर्न करती है। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज की तो बात ही नहीं हो रही है, बिकॉज दोनों स्ट्रैंड जो है वो पैरेलल है, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है दोनों एंड्स पे उनकी पोजीशन डिफरेंट है, दे डू नॉट शेयर द सेम पोजीशन। हमें पता है कि एक एंड को हमने 3' एंड बोला था और दूसरे को बोला था 5' एंड है, दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट। सो यहाँ पर हमारी ये ऑप्शन सही है कि एक एंड जो है वो हमारा 3' एंड है और दूसरा हमारा 5' एंड है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। नाउ विच बेसिस आर नॉट फाउंड इन डीएनए, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब इनमें से हमारा ग्वानिन जो है वो हमारा आरएनए डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, ऐसे साइटोसिन भी प्रेजेंट होता है डीएनए में, लेकिन यूरेसिल जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज पार्ट ऑफ आरएनए, और थायमिन तो हमारा डीएनए में होता ही है। सो दीज आर द डिफरेंट बेसिकली क्वेश्चंस की जिनके ऊपर हमारे को नीट में पूछा जा सकता है। देयर कैन बी वेरिएशंस आल्सो, बट वी मस्ट नो कि डीएनए के मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है और वो कौन कौन से उसमें जो है बेसिस हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हमें इसमें क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।